भिन्न दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विसिंग कैसे कर सकते हैं। सर्विसिंग करने का तरीका क्या होता है, इसमें किस किस पार्ट्स की हमें सर्विसिंग करनी होती है और हम उसको कैसे करते हैं, कहाँ लुब्रिकेशन करते हैं, कहाँ ग्रीसिंग करते हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं उनकी देखरेख कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर का ब्रेक लीवर है जो कि फ्रंट व्हील के अंदर लगा हुआ है। दोस्तों ये देखिए, ये इसमें ट्विन ब्रेक सिस्टम है दोस्तों। दोस्तों जैसे हम एक ब्रेक को दबाते हैं तो दोनों लगते हैं एक साथ। तो दोस्तों हमारे पास ये एक एम्पियर कंपनी का मैग्नस प्रो ईएक्स, प्रो और ईएक्स दोस्तों एक ही जैसा स्कूटर है, इसमें फ़र्क थोड़ा सा है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा आपको। ये मैग्नस ईएक्स है जो कि एम्पियर कंपनी का बहुत ही बढ़िया और ड्यूरेबल स्कूटर है, बहुत ही मज़बूत है। दोस्तों इसको दूर से देखकर आप कह नहीं सकोगे कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर है या इसकी बनावट बिल्कुल हमारी एक्टिवा की तरह ही लगती है। दोस्तों ये बहुत ही मज़बूत और टिकाऊ स्कूटी है और इसका माइलेज भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये देखिए इसका ब्रेक लीवर। दोस्तों हमारे स्कूटी में जितने भी मूवेबल पार्ट होते हैं, जो रनिंग पार्ट्स होते हैं जिनका हमेशा यूज़ होता रहता है, उनके अंदर लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ब्रेक लीवर हुआ, एक्सीलेटर केबल हुआ, या फिर हमारा साइड स्टैंड हुआ या मिडिल स्टैंड हुआ, ब्रेक लीवर के जो ब्रेक लीवर जिसके ऊपर टाइट रहता है उसके अंदर लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों देखिए ये जो हमारा ब्रेक सिस्टम है इसको यहाँ पर लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे रस्ट जमा हो जाती है और हमारा ब्रेक ठीक से नहीं लगता है, टाइट लगता है। तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी का सर्विसिंग करके, धुलाई करके इसके अंदर एक बार लुब्रिकेशन ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे हमारा ब्रेक सिस्टम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और हमारा ब्रेक स्मूथली लगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक मोबाइल पार्ट है और हमेशा यूज़ होता है। और अगला पार्ट्स जो होता है, जो हमारा ब्रेक लीवर होता है दोस्तों, ये हमारा ब्रेक लीवर है, इसकी सर्विसिंग भी बहुत ज़रूरी है। इसमें भी डस्ट इकट्ठा हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों समय समय पर हम अपनी गाड़ी का ध्यान देते रहें और डस्ट को रुकने ना दें और उसमें लुब्रिकेशन करते रहें तो हमारी गाड़ी का सर्विसेबिलिटी अच्छी बनी रहेगी और वह अच्छी सर्विस देगी हमें और जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये दोस्तों देखिए साइड स्टैंड है, ये भी हमारा मूव होता रहता है, हमेशा यूज़ करते हैं, इसके अंदर भी लुब्रिकेशन होना चाहिए। ये मिडिल स्टैंड है दोस्तों, तो इसके अंदर भी हमें समय समय पर ऑयलिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये मूवेबल पार्ट है, ये हमेशा यूज़ होता रहता है। हम साइड स्टैंड पर गाड़ी को खड़ी करते हैं, अगर हम इसको साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, इसमें लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो हमारा स्टैंड या तो नीचे की तरफ आएगा या फिर लगेगा नहीं या टाइट होगा। दोस्तों अगला आइटम है दोस्तों, हम अपने दोस्तों हमारे स्कूटी में सबसे ज़्यादा ख़राब आने वाला चीज़ इसका ब्रेक सिस्टम है, क्योंकि ब्रेक सिस्टम ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अंदर व्हील ड्रम लगे रहते हैं, व्हील ड्रम के अंदर ब्रेक शू लगे होते हैं। तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से यहाँ से अपने एक लीवर की मदद से अपने ब्रेक को टाइट करते रहते हैं। तो जब हम इसको पूरी तरह टाइट कर लेते हैं, हमारे ब्रेक शू एकदम घिस जाते हैं, ये हमारा अंदर तक चला जाता है, तब हमें एक बार इसके ब्रेक शू को चेंज कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने ब्रेक को टाइट करते हैं, इसकी सर्विसेबिलिटी देखते हैं। ये एक पाना है जो कि हमें टूल किट के साथ दिया रहता है, इसकी मदद से हम अपने ब्रेक को या ब्रेक सिस्टम को टाइट कर सकते हैं या लूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारा लीवर ज़्यादा अंदर तक जा रहा है तो हमें समय समय पर अपने सिस्टम के अंदर, ये दोस्तों यहाँ तक देखिए, यहाँ तक अगर ये कंप्लीट चला जाता है तो इसके बाद हम इसके ब्रेक शू को रिप्लेस करते हैं। ये दोस्तों देखिए इसके सस्पेंशन है और इसके अंदर ही इसमें BLDC हब मोटर लगा हुआ है जो कि हमारे गाड़ी को चलाने में मदद करता है। ये इसके जो साइड स्टैंड है यहाँ पर भी हमें ऑयलिंग करना चाहिए समय समय पर। तो दोस्तों हम अपनी गाड़ी को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही
अच्छा चलेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा और वह सर्विस भी अच्छी देगा। दोस्तों मैंने देखा कई लोगों को गाड़ी ऐसे ही रगड़ते रहते हैं, धूल धप्पड़ जमा हुआ है, जंग लग रही है, लेकिन उस पर चलाते रहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे एक्सीडेंट बढ़ते हैं, हम अपनी गाड़ी का ध्यान नहीं रखते हैं, बैटरी का ध्यान नहीं रखते हैं, बैटरी को ठीक से कनेक्ट नहीं करते हैं, कनेक्टर लूज़ हो जाता है, या फिर हम चार्जिंग करते समय ओवर वोल्टेज चला जाता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, तो इस वजह से ही दोस्तों हादसे होते हैं, हमारी बैटरी का भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, बस्ट हो जाती है। दोस्तों यह देखिए दोस्तों, ये बी एल डी सी हब मोटर है, इसी के ऊपर ही हमारा टायर फिटेड रहता है, ये इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन है जो कि हमारा कंट्रोलर के थ्रू इसमें आता है और हमारी मोटर रन करती है। तो दोस्तों इसके अंदर भी ग्रीसिंग होता है, इसके अंदर बेयरिंग लगी रहती है, इसको खोल के हम ग्रीसिंग करते हैं। तो दोस्तों हर किसी जो मूवेबल पार्ट होता है उसको साफ़ सफाई करना, ग्रीसिंग करना समय समय पर अगर हम देखते रहें तो हमारी गाड़ी कभी भी ख़राब नहीं होगी और हमेशा रन करती रहेगी। तो दोस्तों ये इसका ब्रेक शू इसमें पकड़ करते हैं, ब्रेक शू ये व्हील ड्रम है इसका, और ये इसका ब्रेक सिस्टम है दोस्तों। ये ट्यूबलेस टायर होता है दोस्तों इसके ऊपर, ये इस मोटर के ऊपर ट्यूबलेस टायर लगा रहता है और ये बहुत कम ही ख़राब होती है, इसके ख़राब होने के बहुत कम ही चांसेस होते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक सेंसर होता है, मैक्सिमम वही ख़राब होता है, मोटर हमारी बहुत ही कम ख़राब होती है। यह वाटरप्रूफ मोटर होती है, इसको हम पानी में भी कहीं भी गाड़ी को ले जाते हैं तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं रहता है, बिल्कुल सील्ड बंद मोटर रहती है। तो दोस्तों इस मोटर के अंदर से बनावट कुछ इस तरह से होती है, इसके अंदर कुछ कॉयलें होती हैं जो कि हमारे जैसे हमारा फ़ैन होता है, जो सीलिंग फैन होता है, उसी तरह से इसमें जब इसमें करंट जाता है करते हैं तो वो भी जाम हो जाती है और एक समय के बाद ख़राब हो जाती है, तो उसको भी हमें बीच बीच में सर्विसिंग करना चाहिए। दोस्तों जब भी हम अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पर या फिर अपने जहाँ से हमने गाड़ी ली होती है डीलर के पास ले जाते हैं तो वो मैक्सिमम लोग मना कर देते हैं कि इस गाड़ी में कोई सर्विसिंग नहीं होती, ये गाड़ी कोई ऐसा पार्ट्स ही नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें सर्विसिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने इसकी सर्विसिंग ज़रूर कराना है, इस गाड़ी की साफ़ सफाई एक बार ज़रूर देखनी है। तो दोस्तों गाड़ी को हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी जितनी भी होती हैं हमने उसको प्रेशर से नहीं धुलना चाहिए, प्रेशर से सिर्फ हमने इसके व्हील या मडगार्ड या फिर फ्रंट पैनल को ही, जो बॉडी होती है, जो फ्रंट बॉडी होती है उसी को ही धुलाई करना चाहिए, बाकी हमने इसके अंदर से या कहीं प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोलर लगा रहता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर लगा रहता है और इंटरनली कुछ वायरिंग होती है। तो दोस्तों अगर वहाँ पर अगर पानी चला गया तो हमारे सर्किट ख़राब होने के चांस रहते हैं और वायरिंग इंटरनली शॉर्ट होने के चांस रहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जैसे हमने इसके सीट के अंदर पानी नहीं जाने देना है क्योंकि इसके नीचे बैटरी होता है, इसमें कंट्रोलर होता है, अगर वहाँ पानी चला गया तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जो कंट्रोलर सर्किट होता है, वो ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों देखिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, यह इसका सारा कंट्रोल हमारा इलेक्ट्रिक के ऊपर ही निर्भर होता है। दोस्तों इसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसमें कंट्रोलर होता है, चार्जर होता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है और लाइट सिस्टम होता है, एक एमसीबी लगी रहती है जो कि इसके
सिस्टम को कंट्रोल करती है। अगर कोई इंटरनल शॉर्ट सर्किट होता है तो वो एस क्यू ट्रिप करती है। तो दोस्तों इसके अंदर पानी ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हो सके तो हमने अपनी गाड़ी को गीले कपड़े से या फिर बकेट में पानी लेके ही धुलाई करना चाहिए और कपड़े से धुलाई करना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों यह इसका बैटरी लगा हुआ है, देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है। बाकी जो हमारी स्कूटी होती है उसमें इंजन होता है, पेट्रोल स्कूटी होती है तो इंजन में पानी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसमें पानी चला जाए तो हमारा बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बैटरी काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसके अंदर लिथियम आयन सेल्स होते हैं जो कि अगर थोड़े से भी इंटरनली शॉर्ट होते हैं तो हमारी गाड़ी में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। गाड़ी बर्नआउट हो सकती है, जल सकती है, बैटरी बस्ट हो सकती है। इन सब खतरों से बचने के लिए दोस्तों हमने अपनी गाड़ी को आसानी से धोना चाहिए, इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसमें प्रेशर से कभी भी धुलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रेशर से धुलाई करेंगे तो इसके अंदर पानी जाने के चांस रहते हैं और हमारा शॉर्ट सर्किट होने के चांस रहते हैं। तो ये इसका 38 60 वाट का बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है। देखिए दोस्तों लिथियम आयन बैटरी की इस तरह की बनावट होती है, यह मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है। इसके अंदर लिथियम आयन सेल्स जो कि 3.6 वाट के सेल होते हैं, इनकी काफ़ी मात्रा इसमें एड होती है। देखिए दोस्तों 60 वाट 38 AH का ये बैटरी है। हमारा जो माइनस प्रो होता है उसमें 30 वोल्ट 60 वोल्ट 30 AH का बैटरी होता है, इसमें 38 AH का बैटरी होता है, 8 AH इसमें ज़्यादा है। तो इसी वजह से इस गाड़ी का माइलेज हमारी माइनस प्रो से माइनस एक्स का माइलेज काफ़ी ज़्यादा है। यह एक बार चार्ज होने से 120 किलोमीटर का रेंज देती है, जबकि हमारी माइनस प्रो है वह 80 से 90 का एवरेज है। बैटरी का वेट भी 10 से 12 kg के आसपास रहता है। बैटरी लगाते समय निकालते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें ज़रूरत है तभी निकालना चाहिए, अननेसेसरी हमें बैटरी नहीं निकालना चाहिए। बार बार बैटरी लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे तो उसके कनेक्टर भी लूज़ होंगे, तो वहाँ पर भी जब लूज़ होता है कहीं पर इलेक्ट्रिक सर्किट में लूज़ वायरिंग होती है या लूज़ होता है तो वहाँ शॉर्ट सर्किट होने के चांस रहते हैं या स्पार्किंग होने के चांस रहते हैं, जिससे हमारी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। दोस्तों यह इसका चार्जर पॉइंट है, चार्जर के लिए इसको हम इस जगह पर लगाते हैं। दोस्तों लगाते समय अभी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम चार्ज करने के लिए लगाएं तो इसको हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमारा प्लग ठीक से अंदर तक गया कि नहीं, लूज तो नहीं है। अगर लूज लगाएंगे और इसको ऐसे ही चार्ज में लगा देंगे और कहीं चले जाएंगे तो हो सकता है इसका और हमारा चार्जर ख़राब हो जाए या फिर बैटरी ख़राब हो जाए या इसमें आग भी लग सकती है। दोस्तों इन सब चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों चार्जर को हमें कभी भी अपने गाड़ी के अंदर रखकर नहीं करना चाहिए। चार्जर तो दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है, इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट होते हैं, बोर्ड होता है, उसके ऊपर कंपोनेंट माउंट होता है। अगर ये गाड़ी के अंदर रहेगा, गाड़ी हमारा ब्रेकर में ऊपर नीचे होगा तो चलेगी नहीं, तो ये इसके हिलने के और उल्टा पुल्टा होने के चांस रहते हैं। इसके अंदर से इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें ड्राई सॉल्ट हो जाता है और हमारा चार्जर खराब होने के चांस रहते हैं। इसका दोस्तों हमें रिमोट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमारी गाड़ी के साथ में रिमोट आते हैं, इसमें रिमोट सिस्टम है, कई सारे फंक्शन होते हैं। रिमोट जब भी हम गाड़ी को वॉश करें तो अपनी चाबी को निकालते हैं, फिर रिमोट को निकालते हैं, रिमोट को पानी से बचा कर रखना चाहिए। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, बैटरी होती है, अगर इसके अंदर पानी चला जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारा रिमोट काम नहीं करेगा। तो दोस्तों रिमोट को भी हमें पानी से बचा के रखना चाहिए, जब भी हम गाड़ी को सर्विसिंग के लिए लेते हैं रिमोट इसका पहले निकाल के हमें रख लेना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर हम गाड़ी की सर्विसिंग के दौरान ध्यान रखेंगे तो हमारी गाड़ी अच्छी चलेगी, इसमें खराबी भी कम आएगी
लंबा सा लंबे समय तक चलती है। तो दोस्तों मेरे वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं अगले वीडियो में दोस्तों माइनस प्रो और माइनस एस के कंपेयर करके बताऊंगा दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में माइलेज कितना है, बैटरी कितने कितने वोल्ट का यूज़ होता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।